सहारनपुर देवबंद दारुलूम ने प्रदेश सरकार को अपनी एक बिल्डिंग को आइसोलेशन वार्ड बनाने की पेशकश की है। सोमवार को देवबंद दारुलूम के मोहतमीम मौलाना मुफ्ती अब्दुल कासिम नुमाई ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर कहा है कि संकट की इस घड़ी में देवबंद दारुलूम देश की जनता के साथ खड़ा हुआ है और सरकार के साथ भी खड़ा हुआ है। उन्होंने पेशकश करते हुए कहा है कि देवबंद दारुलूम की ग्रांड ट्रक रोड के पास दारुल कुरान वाली बिल्डिंग है, अगर सरकार चाहे तो उस बिल्डिंग को आइसोलेशन वार्ड बना सकती है। कोरोना वायरस की वबा पूरे हिंदुस्तान में धीरे धीरे फैलती जा रही है, इसी को मद्देनजर रखते हुए दारुल उलूम दियोबंद ने एक लेटर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम लिखा है। उसमें पेशकश की गई है कि अगर जीटी रोड पर वाक़े दारुल कुरान एक बिल्डिंग जो दारुल उलूम दियोबंद की है उसको आइसोलेशन वार्ड में तब्दील करने की अगर ज़रूरत है तो हम तैयार हैं। कोरोना वायरस की लड़ाई में हम हर तरह से सरकार के साथ खड़े हैं, अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो बिल्डिंग हम आइसोलेशन वार्ड में तब्दील कर देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा पैगाम है दारुल उलूम दियोबंद का, हमें इसको दिल खोल कर स्वागत करना चाहिए और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ दारुल उलूम दियोबंद का और दारुल उलूम की इंतज़ामिया का कि इन्होंने बहुत सराहना काबिल मुबारकबाद कदम उठाया है। मैं अपील करता हूँ तमाम लोगों से कि अपने घरों में रहें, साफ सफाई का ध्यान रखें, किसी भी तरह घबराने की ज़रूरत नहीं है और जो गाइडलाइन सरकार की तरफ से डॉक्टर्स की तरफ से दी जा रही है उसका पालन करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सहारनपुर में लॉकडाउन के दौरान सुबह 6 से 9 वाली स्कीम को बंद किए जाने की अफवाह के बाद एसपी सिटी विनीत भटनागर ने आज इसका खंडन करते हुए कहा है कि पुलिस द्वारा इस स्कीम को बंद करने का कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया है। कुछ बदलाव किया गया है? देखिए, मैं ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि पुलिस की तरफ से ऐसी कोई आदेश जारी नहीं किया गया है कि जो सवेरे 6 से 9 जो लोगों को सुविधा दी गई थी, राहत दी गई थी अपने ज़रूरी कमोडिटीज़ खरीदने के लिए, उसमें किसी प्रकार की रोक लगाई गई हो। इस बात में ये स्पष्ट करना बहुत ज़रूरी है हमारी तरफ से कि हमारा प्रयास है कि हम डोर टू डोर डिलीवरी को पूरी तरीके से परफेक्ट कराएं और आने वाले समय में हम अपने सारे संसाधनों का इस प्रकार से प्रयोग करेंगे कि डोर टू डोर डिलीवरी कर सकें और जनता को अपनी ज़रूरत की चीज़ें अपने घर के पास में ही एक रिटेलर की दुकान से उनके घर पर स्वयं डोर टू डोर डिलीवरी हो सके। अगर बाद में आवश्यकता पड़ी तो इस प्रकार के और प्रतिबंध लगाने पर भी विचार किया जाएगा जब ये स्थिति हमारी स्ट्रीमलाइन हो जाएगी होम टू डोर डिलीवरी, लेकिन आज की तारीख में ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि बाद में कुछ परिवर्तन किया गया तो अवश्य बताया जाएगा। मैं दोबारा से बताना चाहूँगा कि 6 से 9 की जो सुविधा थी उस पर पुलिस की तरफ से किसी प्रकार से आज की तारीख में अभी कोई प्रतिबंध या रोक नहीं लगाई गई है। कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए कोर्ट द्वारा 8 सप्ताह के लिए कैदियों को पैरोल पर छोड़े जाने के निर्देश के बाद मंडल में अब तक 115 कैदियों को रिहा किया गया है। उक्त जानकारी आज डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल द्वारा दी गई। देखिए, अभी वर्तमान में जो कोरोना वायरस का प्रकोप फैला हुआ है उस क्रम में पूर्व में जेल में मिलाई पर रोक लगाई गई थी ताकि बाहर से किसी प्रकार का कोई संक्रमण जेलों में ना जा पाए। इसके पश्चात माननीय न्यायालय के निर्देश प्राप्त हुए हैं जिसके क्रम में एक कमेटी बना करके जो अभियुक्त जेल में बंद है उनको चिन्हित किया जा रहा है और उनको प्रतिदिन छोड़ा जा रहा है। 8 सप्ताह के पैरोल पे उनको छोड़ा जा रहा है। इस क्रम में मंडल में कुल 115 कैदी जो है छोड़े गए हैं 8 सप्ताह के पैरोल पे, जिसमें सहारनपुर जेल से लगभग 36 हैं और देवबंद जेल से 33 हैं। इसके अलावा मुजफ्फरनगर से कुल 46 कैदी छोड़े गए हैं और यह क्रम अभी आगे निरंतर जारी रहेगा अगले कुछ दिनों तक में। और भी जो ऐसे जो उस गाइडलाइंस को मीट करते होंगे ऐसे कैदियों को 8 सप्ताह का पैरोल पे निकाला जाएगा। सहारनपुर में सोमवार को वार्ड 68 के पार्षद हाजी इमरान सैफी व उनकी टीम द्वारा अपने वार्ड में लगभग 153 परिवारों को घर घर जाकर राशन वितरित किया गया। इस दौरान पार्षद हाजी इमरान सैफी ने वार्ड वालों को आश्वासन दिया है कि उनको किसी भी तरह की अगर समस्या होगी तो वह 24 घंटे उनके लिए मौजूद रहेंगे। इस दौरान उनके प्रतिनिधि रिहान अली भी मौजूद रहे। जी।
आ जाओ ऑफिस आ जाओ।